उत्तराखंड की बेटी अंकिता के हत्याकांड के बाद जिले भर में खासा आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। वहीं अंकिता को न्याय मिल सके इसके लिए लोगों ने गोपेश्वर मुख्य बाजार और गुज्जर में कैंडल मार्च निकालकर सरकार के प्रति अपना आक्रोश जताया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने कहा कि हम सभी की उत्तराखंड सरकार से एक ही मांग है कि अंकिता हत्याकांड के सभी दोषियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए ताकि अंकिता को न्याय मिल सके और देवभूमि में ऐसा कुकृत्य करने का कोई भी व्यक्ति सोचने का भी साहस ना कर सके और मेहनत कश बेटियां बेखौफ होकर घर से बाहर जा सके। अंकिता हत्याकांड राज्य भर में दहशत का माहौल बना दिया है जिसकी वजह से बेटियां घर से बाहर निकलने में भी डर रही हैं। सभी ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगाई है, सूबे की सरकार से गुहार लगाई गई है ताकि कोई भी इस तरह का कृत्य करने का दुस्साहस ना कर सके। आज जिस तरह से उत्तराखंड की इस देवभूमि को कुछ चुनिंदा रहीजादे और जो सरकारों के नुमाइंदे हैं इनके जो रहीजादे बेटे इनके द्वारा जो आज हमारे उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने देखो अभी 18 तारीख को अंकिता भंडारी जो है वो उस रिजॉर्ट में काम करती थी और उस रिजॉर्ट के मालिक के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया और कई बार उसने गुहार लगाई लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी और अंत में उन लोगों ने उस बच्ची की जान